पाताल गंगा के इस रुचि सहायक के प्लांट में पाम ऑयल के रिफाइनिंग के साथ साथ सनफ्लावर की भी रिफाइनिंग कैपेसिटी है और यहाँ लगभग 10,000 टन तक टीन के अंदर ऑयल को रिफाइन करने की पैकेजिंग की कैपेसिटी है और इतनी ही करीब पाउच की कैपेसिटी है। तो ये टीन यहीं पर बनते हैं, यहीं पर फिर उनमें रिफाइन होकर के भर दिया जाता है। इधर ये रुचि गोल्ड जो देश का नंबर वन पाम ऑयल रिफाइंड ऑयल है और ये सनरिच है, इधर ये बहुत बड़ी संख्या में पूरा गोदाम ही ऐसा भरा पड़ा है। ये पूरा करीब फुल कैपेसिटी जब यूज करते हैं तो 10,000 टन तक यहाँ से सनफ्लावर और रिफाइंड पाम ऑयल की प्रोडक्शन और पैकेजिंग कैपेसिटी है पाताल गंगा के प्लांट में। ये आपको टीन दिखाए, अब पाउच में ले चलते हैं। ऑटोमेटिक वेल्ड हो जाती है वहाँ। बनाए जा रहे हैं, इन हाउस सारी कैपेसिटी है टीम बनाने की। पतरा लिया पे है और पतरा ला करके इसको गोल घुमाते हैं, यहाँ वेल्ड कर देते हैं, एक बार टाँका लगता है। पतरा लाते हैं और उसको यहाँ से 2 सेकंड के अंदर एक टीम बना देता है। पाताल गंगा के इस प्लांट में जहाँ एक और पाम ऑयल की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, वहाँ सनफ्लावर की भी कैपेसिटी है और सनफ्लावर में ये 1 लीटर का पाउच है, उसकी ये सब मशीनें हैं। यहाँ ये पीछे से ऑटोमेटिक लाइन से पाइपलाइन से तेल आता है, पाइपलाइन से तेल आकर के बड़े बड़े स्टोरेज हैं उनके अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो करके यहाँ भर करके आ जाता है। भरने के बाद इतना ऑटोमेटिक भी नहीं रखा है कि पाउच अपने आप ही पेटी में पैक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़े लोगों को काम मिला हुआ है तो ये इसको पैक करके और फिर ये आप तक पहुंचा देते हैं। ऐसे पाउच में, बोतल में और बड़े टीन में आप तक ये खाद्य तेल एडेबल ऑयल पहुंचता है।